चल पीछे हो जा तू। डैडी डैडी, अरे कमीने, मैं तेरी माँ हूँ कि डैडी हूँ? डैडी नाराज है बे। बीजे हो जा बोतल लेकर के। ओए बाबूजी बोला साले को लड़ने वाले हो जाता है लड़ने वाले। तो यहीं पे रुक बे, हम सबसे पहले मम्मी से बात करते हैं। ओके मम्मी को हमारे भी बात। मम्मी मम्मी तुझे दिखाई नहीं देता मम्मी कौन है? हवेली की कीमत बताओ। और अपने बीबी की कीमत बताओ। आ गए धर्मराज टेलर, धर्मराज टेलर 21 रुपए का इनाम है। उनका कहना है ये दुकान खुली रखना, घर मालिक का आदेश है। देखा दुकान खुली रखो, ठेको खुला रखो। देख लिया रुक्मणी अपने बेटे को? मैं बेटे की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बेटी की पहली गलती है, माफ कर दीजिए। आप चलिए आराम करिए, मैं बेटे को समझा दूंगी। समझा देना, अगर आज की बात मेरे सामने तारुफ के आया तो ना मैं इसका बाप और ना ये मेरा बेटा। क्यों रे हराम खो, हवेली की बात किया तो वहां तक तो ठीक था, तूने ठकुराइन की कीमत लगाया 2% का। पलने वाला मेरी कीमत लगाया और मेरे हबीब हराम जादो, अगर मेरी हवेली में तुम दोनों और ऊंची आदमी में बात करने किया ना तो कसम से तुम दोनों को मार डालू। हाँ जी आगे रामदेव मिस्त्री उनका कहना कि ठेका खुला रखे 10 रुपए। ए हरामखोर चल खा, उठ खा, चल मेरे बेटे का कपड़े ठीक कर, जल्दी कर। Oh!
मैंने कहा ना मेरे बेटे को कपड़े ठीक से पहना 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 दिया क्यों रे हराम जादे हराम जादे मैंने कहा बेटी को कपड़े पहना उल्टा कपड़े पहना सुन ले हम ऐसे उल्टा पहनावा है हम जानी है उल्टा चल सीधे कपड़े पहना हम जानी है उल्टा पहना भाई आराम जादे मैं तेरी भौजी हूँ आराम जादे मुझे भौजी कहा आज तला कोई मुझे गलत बात नहीं कहा किसी ने मुझे गलत कहा मैं उसकी जबान खिंचवा रही हूँ भगवान तू आराम जादे भगवान का कौन तला पैदा करने की महतारी जादो आज या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगी हाँ हराम जादे ऐसे मार मारूंगी ना तूने कभी खाया नहीं होगा हराम जादे चल खरा सबसे पहले ये बता कि मेरा बेटा रंडिया के कोठे पे और ये दारू अयासबाजी कौन सिखाया है हमसे कहीं यार एक आदमी का चलो फांसा जा हम कहा कहीं का ठाकुर साहब का लंगड़ा का फांसा हम होते हो कहूँ वहाँ नाच गाना देखे के मिली तो हम कहा भाई हम तो ना जाओ तुम जाओ तब हम तो ठाकुर साहब तो बताओ यानी कि मेरे बेटे को बिगाड़ने वाला यही हराम देखो तुम्हारी वजह से आज मेरे स्वामी जी मेरे भूला पर कहते हैं तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से बिगड़ा हुआ है और तुम हराम जादो इसे बिगाड़ हराम जादी चुपचाप खड़े हो जा बेटा रजी सब लिया देखो बेटा अगर तुम इसी तरह से अयासबाजी और रंडियों के कोठे पे जाओगे तो तुम्हारे बाबूजी मुझे बहुत डांटते हैं बेटा यागे अचार द्विवेदी नगर हमारे छोटी मिस्त्री ये घर मालिक को 101 रुपए का त्योहार दे रहा है पाठक शुक्रिया मेरे लाल तुम तो जानते हो कि मेरा बरसों से सपना है कि तुम्हारी शादी होगी उस शादी में ढेर सारा दहेज पाएंगी
और मैं मालो माल हो जाऊंगी। मेरा बरसों का सपना है कि मेरे बेटे की शादी हो और मैं दहेज दहेज पाऊं और मैं बुरा मालो माल हो जाऊं। अगर तुम इसी तरह दारू या शराब पीते रहोगे तो तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? बोलो लाल, क्यों ऐसा करती हो? मम्मी, अगर चे आपके दिल में अरमान है कि आप मेरी शादी करोगी, हाँ बेटा, तो ठीक है, आज के बाद हम शराब नहीं पियेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुम आज के बाद शराब नहीं पियोगे? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं होता। तुम्हें आज मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाना पड़ेगा कि माँ, आज के बाद मैं शराब नहीं पियूंगा। हाँ लाल, मम्मी बोले कसम खा लो कि दारू आज के बाद नहीं पियोगे। और बेटा, अगर तुम दारू नहीं छोड़ोगे ना, तो मैं किसी कुएं में डूबकर अपनी जान दे दूं। ये आ गए हमारे छेदी मिस्त्री आचार देवी नगर निवासी हैं रावरेली, उनकी तरफ से ये 10 रुपए का इनाम आ रहा है। पर शुक्रिया इस प्यार मोहब्बत पे और इस सीन पर खुशी होकर के हमारे छेदी मिस्त्री जी की तरफ से 10 रुपए का इनाम है। पंडित शुक्रिया। मम्मी ठीक है, मम्मी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक हम शराब नहीं पियेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना ही तो नाचने वाले की कोठियों में जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे नहीं मानूंगी। तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि माँ, आज के बाद शराब और अयसबाजी कुछ भी नहीं करूंगा। ये लो मम्मी, हाँ। तुम्हारे सर की कसम, ये लो। बेटा तू तो जानता है जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तुझे किसी बात को नहीं रोकूंगी, तू जी भर के पीना, लेकिन एक बार शादी तो हो जाने दे और मैं इस घर की मालकिन तो हो जाने। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, क्योंकि कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। क्यों नहीं बेटा, एक बात कहूँ मम्मी? क्या बात है? ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, और तू मेरी मैया। राम सिंह
हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे बाबूजी नाराज होके गए, मैं चलूं नहीं मना लूं, लेकिन गांव के कान खोल के सुन लो, अगर मेरे बेटे को किसी ने भड़काने की कोशिश किया ना तो एक एक को चुर चुर के मारूंगी। इसी से तो कहती हूँ, इसी से तो कहती हूँ, कलयुग का बास हूँ मैं और सत्य का सत्या कसम मुराद चलने की काया पलट दूंगी, कसम हमारी मचलती जवानी की चलती हूँ ऐसे। यादे मान श्रीमान लाल मनाओ ताल पर आपकी ओर से ये 10 रुपए के नाम है कंपनी से लाल शुक्रिया। इधर आवे ओए भाई। अबे जब हवेली में डैडी और मम्मी मौजूद थे तो तुझे मुझे बताना चाहिए ना। कहते हम होश में रहे ना, तुमसे ज्यादा तो हम चुकरे रहे, तुमसे ज्यादा तो हम चुकरे रहे। अरे यार ये तुम्हारा अम्मा आई? अम्मा नहीं मम्मी। मम्मी आई हम पर ये कौन था ना तुमका पैदा कर दिया? मैं नहीं समझ देखा, मैंने बोकला निकाल दे तुमका यार। लेकिन एक बात ये बताओ, पूरी दारू उतार गए। अरे यार सुनो तो, मम्मी की तो कसम खा लिया है हमने। अरे चोर चमार, हम कही थी चोर छिनार रंडी बात दारू बात, भगवान जाने बीज गंगा पहुंच जाए। इतने खाली बार दिखा था वो की कबो न माने हो, कबो माने तो समझ जलत रहे चूल्हा, जलत रहे चूल्हा वो तावा भर जाए। पागल है क्या बे? हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। तेरी बात हम मान जाए ताकि हमने मम्मी की कसम खाई है और मेरी मम्मी मर जाए है? तो फिर ऐसा हम करेंगे नहीं। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना तो दारू पियेंगे ना तो नाचने वाली को कोठे में जाएंगे। ये तो कौनो बात है ना भाई। लेकिन एक बात ये बताओ यार, मम्मी की तो कसम खा लिया, तुम्हारी नजर में कोई लड़की हसीन है? कोई हसीन लौंडिया है जिसको हम पसंद कर लें और वो लड़की हमें पसंद कर ले, हम दोनों शादी कर ले, एक दूसरे के जीवन साथी हो जाए। राम रे तुमको पता नहीं ना, ये आ गई लड़का की बड़ी मम्मी परोसन की तरफ से 10 रुपए का इनाम इस सीन पर आ रहा पाली तरफ से। हमको यह बताओ इतने दिन से कॉलेज जात हो, कबो कॉलेज में देखे हो इधर उधर नजर उठा के? कॉलेज में? हाँ यार कॉलेज में तो कोई हसीन लौंडिया हमको दिखती ही नहीं है। राम रे देख ले तुम्हारी तबियत खुश हो जाए। हैं? हाँ हाँ बता दे खाली खाली बता दे। हाँ राम रे अपने कॉलेज में अरे आँखों में कजरा, आँखों में कजरा, ओठों पे लाली, गाल बने गुलगुला, देखा चढ़ली जवान। अरे साले ये कौन साले हैं? अरे वही बुजीवा का बताई थी भाई। हैं? हाँ राम रे आँखी ना ही आम की फाकियाँ ही है उस लड़की की। हाँ राम रे ओठ ना आए सुग्गा की टोंट आए। हाँ राम रे इतनी खूबसूरत लड़की है गाल ना ही, गाल ना ही जैसे टमाटर। हाँ अबे उसके हुस्न की तारीफ करेगा केवल नाम बताएगा उसका नाम? हाँ अरे बहुत छोटा से है बहुत बड़ा से नाम है। है उसका नाम है समझे? है या का अबे भाई
दंगा दंगा पहुंचो, मान लिया बूढ़े लागे तो हाथ नहीं चलाते तो कहा कि निकल जाए वहां पर। क्या ओका नाम है गंगा? गंगा हाँ, आपके कॉलेज में पढ़ा था। ओ गंगा मालिक गंगा, ए दांत नहीं अनार के दाना है गंगा। ए गंगा हाय मेरी छमक छल्लो गंगा, तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी जाने बने। ए गंगा गंगा मेरी जाने मन मेरे पास आओ। भैया मिलाप आती है गंगा नाय। और गंगा तू दिल में बसी मेरा चैन लिया समझी। लड़की नमकीन बनाऊं और तुझे मैं दिल की रानी। आई लव यू मेरी जान। है लड़की नमकीन बनाऊं और तुझे मैं दिल की रानी, और अगर न मानी बात मेरी तो होगी जबरन मन मानी। गोपाल सिंह का परवा, ये कुल्ली ठेकेदार गोपाल सिंह का परवा, उनकी तरफ से इस सीन पर खुशी होकर के 10 रुपए का स्पेशल इनाम दे रहे हैं। बड़ा शुक्रिया। अभी इलाहाबादी तू कहां बीच में आ गया बे? कहां रहा भैया पहचान ले। क्या हुआ बे? अरे भैया भले पहचान ली हो, हम तो जाने हमारे नेजुल प्लंजर सब कहाँ हैं मुझे। अरे आप हमका समझ लियो गंगा ही, हमका छुओ ना, हमका छुओ ना, गंगा समझ लियो गंगा। अरे यार हमसे गलती हो गई यार, तूने जैसे ही गंगा का नाम बताया। अरे यार तुमका तुमका खाई और नहरिया नहीं देखा कि ये नहरिया है कि खाई यार डॉक्टर कर जा बे। अबे बेइज्जती मत कर मेरी। अबे मारो रे छींचा लेदर कर दिया रे। अरे यहाँ माँ जान की आफत लगी रही थी। अरे यार गंगा समाज के माँ छपका ली। अरे यहाँ के रामदेव यानी हमारे प्रकाश के रिश्तेदार, खास रिश्तेदार, उनका कहना है कि अगर प्रसिद्ध ना हो तो अलीपुर चकराई चले जाओ। छंडा की मौसी है या छंडा की सास हो भैया?
लेकिन एक बात ये बताओ यार, जब गंगा का नाम इतना खूबसूरत है तो ये गंगा की नाम की लड़की कितनी खूबसूरत होगी? लेकिन ये गंगा नाम की लड़की हमको मिलेगी कहाँ? राम रे, तुमको मिलेगी कहाँ? रजन घर मालिक की तरफ ये ये तुम्हारे पर मरा था, तुम्हारे पर मर रहे हैं, खाली एक कमी है, तई का गुलाबी लाली लगा ले तो बच्ची कहाँ से हमका? भैया आप जानू रहना, ये स्कूल जाती 9 बजे, वही 9:30 पौने नौने पौ बजा रहा था। अरे नौने पौ नहीं, पौने नौ बे। हाँ, वो जो टेढ़ी वाली पुलिया नहीं ना, ओहो कॉलेज के पीछे जो टेढ़ी पुलिया है, हमरे बस वही की जात थी, वही की जात थी, मगर हम लगे ना रहा भाई। तुम परेशान मत हो, अब हम होश में हैं। तुम मिलाहाबादी, हम ठाकुर रंजीत सिंह। या का है काने में बतावत बे? हैं? हमा मतलब है तुम जाओ, हमका लगे न ले जाओ, कहे तो वही टेढ़ी पुलिया के तरह तालाब है और वही। अरे तुम परेशान मत हो, हमारे साथ में आओ। आज सबसे पहले काले चलते हैं और उसके बाद 9:45 हम टेढ़ी पुलिया के पास बैठ करके गंगा का इंतजार करेंगे। सचिन डी आर, सचिन डी आर की तरफ से 21 रुपए का इनाम आ रहा है। इस सीन पर इनाम आ रहा है। ए बच्ची, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि कहा गया है इलाहाबादी कहावत में कहा गया है कि आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे और न दिल में करार, और ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। और तेरे नाम का दीवाना जिस वक्त गंगा से मुलाकात होगी ना, जी भर के बातें करेंगे। और तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को जल को ढूंढता है। चंदरपुर का जमींदार और हमारा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह।